हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द डाउट नेट एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी साइंस की क्लास में। मैं हूं आपकी मेंटोर हिमानी एंड मैं हूं आपकी फिजिक्स की मेंटोर। और हम लोग कुछ दिनों से, यानी कि लास्ट दो लेक्चर से, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपका ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत छोटा चैप्टर भी नहीं है। इसमें हमने पहली कुछ क्लासेस में जी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था। जी इज इक्वल्स टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ गलत कर दिया, हाँ जी इज इक्वल्स टू नहीं है मैम, ये मैम ये है एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें हमने जी के बारे में पढ़ा था। देन नेक्स्ट क्लास में हमने छोटा जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लिखा था जो हमारा फोर्स है, अब मास इंटू छोटा जी होता है, और इन दोनों को इक्वेट करके हमने छोटे जी की वैल्यू निकाल दी थी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें ये एम और ये आर उस प्लैनेट या फिर अर्थ का मास एंड रेडियस है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब तक बहुत ही ईजी पार्ट था और आज और भी ईजी पार्ट है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने तीन पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आगे देखते हैं। उन्हें जब हमारी बॉडी फ्री फॉल यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, तब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होती हैं। अब हमें इतनी सी बात पता है, जो हमारी ये इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और इसी ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक इक्वेशन कौन सी थी, और एक इक्वेशन कौन सी थी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी थी। मतलब ये जो तीन इक्वेशन हमने पढ़ी थी, तीसरी इक्वेशन आप बताओगे, ये अभी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। इन तीनों इक्वेशन को हम तब ही यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या हो, क्या हो, क्या होना चाहिए, हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ, अगर हमारे अर्थ की बात करें, अगर हम सिर्फ अपनी अर्थ की बात करें, तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये छोटा जी है, ये कांस्टेंट होता है नियर द अर्थ। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है छोटा जी का, जी एम बाय आर स्क्वायर। मैं ये कह रही हूँ आप अर्थ से बहुत दूर ऊपर नहीं जा रहे हो और बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हो अर्थ के, तो मैं इसे कंपैरेटिवली अर्थ के सरफेस पे तो कांस्टेंट मान सकती हूँ। तो मैं इस जी के लिए कुछ, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, लिख सकती हूँ। अग्रीड इस चीज से, इस बात से अग्रीड। अभी तक हमने दो फॉर्मूला पढ़ लिए, एक तो छोटा जी का और एक फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया। अब देखते हैं, आज अब हमें ये इक्वेशंस पढ़नी है। अब अच्छा, जिस बच्चे ने नहीं बताई कमेंट सेक्शन में, सबसे इजी वाली इक्वेशन थी वो पहली इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इतनी सिंपल सी इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन हमारी ये है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन हमारी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए। ठीक है, इतनी सी ये तीन इक्वेशन थी। इन इक्वेशंस को अब हमें किसमें लिखना है, किसमें लिखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में लिखना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चा, ये तीन इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये तीन इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। इन तीन इक्वेशन में से हमने क्या करना है, बस ये एक्सेलरेशन चेंज कर देना है, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्सेलरेशन करती है अंडर द ग्रेविटेशन, सिर्फ हमारे पास ये एक्सेलरेशन चेंज होता है, वो क्या होता है, ए की जगह जी हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन है, ये फ्री फॉल की कंडीशन है, और फ्री फॉल हमें पता है अंडर द ग्रेविटी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही हो। अब हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी।
at की जगह gt, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, a की जगह g बन गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, a टू as की जगह हमने क्या कर दिया 2gs कर दिया। क्लियर ये बात? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक है डाउनवर्ड मोशन और एक है हमारे पास अपवर्ड मोशन। अब जो मैंने इससे पहले आपको चीजें बताई थी वो नहीं करनी है, ये सिर्फ हमें टू सॉल्व द क्वेश्चन ये ट्रिक्स लिखनी है, इसमें लॉजिक देखेंगे और जब भी हमारे पास कुछ चीज होगी सॉल्व करने की तो हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्लियर है, ठीक है, चलो करते हैं फिर। चलिए, डाउनवर्ड मोशन का मतलब क्या है, ये एक बॉडी है इसको हम फॉल करा रहे हैं, रिलीज करा रहे हैं, और ये हमारा अर्थ है। अब ये बॉडी आके सीधा अर्थ पे किस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। जब हम इसको किसी भी बॉडी को रिलीज कराएंगे, मैंने ऊपर से एक बॉल पकड़ रखी है उसको मैं रिलीज करा रही हूं, तो इसका हमें क्या लिखना है इन दोनों केसेस के लिए, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या पुट करना है, और इसके हमारे पास पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, U लिखेंगे हम इनके लिए, V लिखेंगे इसके लिए, A लिखेंगे, T लिखेंगे और S डिस्टेंस लिखेंगे, यही सब पैरामीटर्स हैं इन सारी इक्वेशंस में, तो हमें बस यही लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं, हम अगर रिलीज कर रहे हैं तो U तो जीरो हो गया क्योंकि हमने बॉडी को इधर से रिलीज किया है, U जीरो हो गया। अब इसके लिए हमारे पास यहां क्या होगा, जस्ट बिफोर वो बॉडी आके अर्थ पे रुक गई, जस्ट बिफोर वो बॉडी आके अर्थ पे रुक गई, तो यहाँ पे जो v होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसे होगा, यहां से बॉडी आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये जीरो थी, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड हो गया और यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, कर कर करके हमारे पास जब तक नीचे आएगी तब तक हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे पास ये जो बॉडी है रेस्ट से इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ आके मैक्सिमम हो जाएगी। यू की बात हो गई, वी की बात हो गई, ए की बात कर लेते हैं। अब हम एक्सेलरेशन, आपको बहुत सारे टीचर्स क्लास वगैरह में, आपके स्कूल में या कहीं पे बताएंगे कि जो एक्सेलरेशन है इस केस में ये डाउनवर्ड है, तो हम इसमें जी जो लेंगे वो पॉजिटिव ले लेंगे, एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं आप बस इसको इस तरीके से देखो कि आपकी जो बॉडी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, आपकी ग्रेविटी नीचे की तरफ धकेल रही है, तो आप इसको नेगेटिव जी लो, नेगेटिव जी लो, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो या नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि जब आप नीचे आ रहा है, आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो आप इसको लो। मैं बस आपसे इतना कह रही हूं कि आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, आई अग्री, लेकिन आपके पास ये जो सिस्टम होता है आप इससे आगे कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगे। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका नेगेटिव एक्स होता है, ये आपका नेगेटिव वाई होता है। अब क्योंकि ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो आप इस कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से इसको नेगेटिव वाई ही लो, इससे आपको क्वेश्चन करने में इजी होगी। अब उसी तरीके से आपका ए ये डिसाइड हो गया कि नेगेटिव जी होगा, यू डिसाइड हो गया जीरो और वी हो गया मैक्सिमम वी, इसकी वैल्यू वी ही लिख लेते हैं। अब आपके पास टाइम, तो हमारे पास सिर्फ टाइम ही होता है, डिस्टेंस की बात आई, अब हमने डिस्टेंस की बात आई या हाइट की बात आई, अब कुछ लोग क्या करेंगे, जी को तो पॉजिटिव ही रखेंगे लेकिन डिस्टेंस को भी पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट है,
तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होता है, तो मैं कह रही हूं ये जो एस है ये नेगेटिव एच ले लो. क्या ले लो? नेगेटिव एच. क्यों? क्योंकि माइनस माइनस वाई में आपका जो है ये डिस्टेंस है. इसी तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपका चाहे वो ओलंपियाड हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सिर्फ नाइन्थ तक नहीं रखना हमने अपना कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल स्ट्रक करके, हमें आगे के लिए भी कुछ ना कुछ पढ़ के चलना है. ठीक है, अब इसी तरीके से अपवर्ड का केस देख लेते हैं. अपवर्ड का केस है कि आपकी बॉल है ऊपर जा रही है और यहां पर जाकर रुक रही है. इसकी हाइट कितनी है? मान लो एच. अब इसकी वेलोसिटी यू तो नॉन जीरो होगी क्योंकि किसी ना किसी वेलोसिटी से तो आप ऊपर फेंकोगे, लेकिन इस पॉइंट पर आकर बॉल रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे. कैसे? जैसे मान लो मैं आपको ये फेंक के दिखाती हूं, तो मुझे एक बार हाथ यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो करनी पड़ेगी, तभी मैं इसको नीचे की तरफ फेंक सकती हूं. तभी तो होगा ऐसी चीज. मान लो मैं इस तरफ चल रही हूं, मैं इस तरफ चलती जा रही हूं, मुझे रुकना पड़ेगा और फिर मुड़ना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए. अदरवाइज मैं रुके हुए अपनी वेलोसिटी जीरो करे बिना, अपनी चीज को अपनी वेलोसिटी को जीरो करे बिना मैं मुड़ नहीं सकती, मैं अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती. यही सेम केस है, अगर मैं बॉल को ऊपर फेंक रही हूं तो मुझे इस पॉइंट पे जाकर रुकना पड़ेगा, स्टॉप होना पड़ेगा, वेलोसिटी जो है उसको जीरो करना पड़ेगा, तभी मैं डायरेक्शन चेंज करके नीचे वापस आ सकती हूँ. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की. डिस्टेंस एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाई में है, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा वो प्लस एच लेंगे. क्या रह गया? टाइम की बात हमने करनी नहीं है, टाइम की बात हम कर नहीं रहे हैं, तो रहा क्या? एक्सेलरेशन. अब बताओ, अब क्या है? ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है, ग्रेविटी अभी भी तुम्हारी बॉल को नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है. तो मतलब जो इस केस में है, इस केस में भी मेरी ग्रेविटी माइनस वाई में एक्ट कर रही है, तो मैं माइनस जी या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लूंगी. हमें इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये चीज क्लियर है. इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नेगेटिव में आ रही है मेरी डायरेक्शन, नेगेटिव है, अभी भी ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, इसीलिए मैं इसमें माइनस ही लूंगी, पॉजिटिव नहीं लूंगी. इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे. डिस्टेंस इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है. ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. चलो, अच्छा, ऑन अर्थ द स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू अर्थ सरफेस. ठीक है, एक तो पत्थर ऐसे फेंका गया है, कैसे? ऐसे. हाइट कितनी है इसकी? एच ही है. अब उसके बाद जो दूसरा है वो इसी हाइट से ऐसे फेंका गया है. अब ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टोन पहले नीचे आएगा, कौन सा स्टोन पहले नीचे आएगा. चलो इस पे इक्वेशन लगा लेते हैं. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब U तो जीरो ही होगा क्योंकि ऊपर से नीचे चीज आ रही है, तो U तो जीरो होगा. मैंने U को जीरो कर दिया दोनों केस में, क्योंकि दोनों केस में जीरो होगा तो हमारा जो डिस्टेंस है वो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा. तो हाफ A की जगह मैं क्या रख दू? G रख दू, क्योंकि मेरे पास वर्टिकल मोशन है. तो ठीक है, बस 2s by g अंडर रूट, ये मेरे पास आ गया टाइम. किस केस में? दोनों ही केस में मेरे पास ये टाइम आएगा, क्योंकि दोनों ही केस में मेरे पास यही वैल्यूज, यही डिस्टेंस भी सेम है, हाइट भी सेम है और g भी दोनों के लिए सेम है. मतलब बोथ स्टोन विल कम ऑन ग्राउंड एट द सेम टाइम. क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि किसी भी स्टोन को इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड.
अपवर्ड फेंका गया है किसी भी स्टोन को 15 मीटर स्क्वायर से, मतलब ये इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या बताना है, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। मतलब ये वो वाला केस है कि हमने क्या करना है, बॉल को ऊपर फेंकना है, तो मतलब हमारी यू तो नॉन जीरो होगी लेकिन वी जीरो होगी, मतलब वी जीरो हो गई मेरी। ठीक है, अब हाइट निकालनी है और जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं एक फॉर्मूला लगा देती हूँ, कौन सा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as। यू क्या है मेरे पास, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 कर दिया, इज इक्वल्स टू वी जीरो है और 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ ए की जगह जी यूज कर लेंगे बस, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट हमें निकालनी है, तो मेरी हाइट यहां से आ जाएगी 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, क्या आएगी, कुछ 11.4 मीटर्स कुछ आ जाएगी। क्लियर है ये बात, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही इजीली तरीके से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इस क्लास का, विच इज मास और वेट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों चीजें अलग है, आर मास एंड वेट सेम थिंग है या डिफरेंट है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये अलग अलग है या सेम है। नहीं तो बच्चे, जो हमारे पास ये मास है और हमारे पास ये वेट है, ये दोनों ही हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास अलग अलग चीजें, आइए देखते हैं कैसे। जो मास है किसी भी बॉडी का, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, कि इसके अंदर क्या भरा है, ऐसा ये होता है मास। और अगर तुम इन दोनों को क्या करो, कि दो बॉडीज लो, बॉडी ए या बॉडी बी, एक को तो रख दो अर्थ पे और एक को रख दो मून पे, तो मुझे ये बताओ क्या इन दोनों बॉडीज का मास डिफरेंस होगा, क्या इन दोनों के अंदर जो प्रेजेंट है मैटर, इन दोनों ए और बी के अंदर, वो क्या दोनों अर्थ और मून पे डिफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, वो तो चाहे हम अर्थ पे रहें, चाहे हम मून पे रहें, चाहे हम किसी भी प्लैनेट पे रहें, जो हमारे अंदर जो चीजें हैं, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड ए ऑब्जेक्ट, वो तो हमेशा सेम रहेगा, क्या रहेगा, वो हमेशा बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन चाहे अगर तुम इन दोनों को अर्थ पे रख दो, चाहे मून पे रख दो, मास जो उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, जो जिसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है हमारे अंदर, वो सेम रहेगा। अगर हमारे कोई, जैसे नील आर्मस्ट्रांग गए थे हमारे मून पे, उनके अंदर जो हमारे अंदर हार्ट लीवर ये सब कुछ है, वो चेंज तो नहीं हुआ, वो सब चीज तो सेम रही, मतलब मास सेम एवरीवेयर। और यूनिट क्या होगी मास की, किलोग्राम, ये होगी मास की यूनिट किलोग्राम, कितनी होगी, किलोग्राम। ठीक है, अब वेट क्या है फिर, ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या है, ये बच्चा वेट क्या है, कि कितना किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, क्या है वेट, इट इज एन मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी, चाहे ये मैंने ए बॉडी लिया है अर्थ पे, अर्थ उस पे कितना ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, उसका मेजर है वेट। तो अगर आपसे कोई पूछे आपका मास क्या है, आपका वेट क्या है, आपका आंसर दोनों के लिए डिफरेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा वेट है और जो हमारा मास है, वो दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैं कह रही हूं
कि एक मास एक बॉडी है ए जो हमारी मास एम की है और दूसरी वही बॉडी अगर मैं किसी बी जगह पे रख दूं, ए जगह क्या है मैंने मान लिया मून है और बी जगह क्या है हमारे पास अर्थ है। अब चलो मून मत मानो क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेविटी एक्स यूनिट लिखी है, मैं बस ये कह रही हूँ कोई ए जगह है और कोई बी जगह है। अगर मैं कहती हूँ ए की ग्रेविटी एक्स यूनिट है और बी की ग्रेविटी 2x यूनिट है तो इन दोनों का मास तो सेम होगा, ठीक है, मतलब कि उन दोनों का मास तो बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन वेट डिफरेंस होगा। वेट कितना डिफरेंस है, अगर यहां पर वेट कुछ भी है वाई है तो इधर 2y होगा क्योंकि जो हमारी ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है इन दोनों जगह पे। अगर इस पे हमारा मास 15 हुआ तो इस पे हमारा मास 30 होगा, सॉरी मास तो 15 ही होगा, क्या मास इस पे 15 है तो इस पे भी 15 ही होगा, लेकिन अगर इस पे वेट 15 है तो इस वाली जो बी हमारा जो जगह है उस पे हमारा वेट 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी ये डिपेंड करेगी कि तुम्हारा वेट कितना है, ठीक है, तो मतलब इसका तो लेसर वेट होगा और इस वाली बॉडी का ग्रेटर वेट होगा और कितना, ट्वाइस ही होगा क्योंकि इसकी ग्रेविटी ट्वाइस है इसकी ग्रेविटी से। क्लियर है ये बात, क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं कि आखिर ये चीजें डिफाइन कैसे होती हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या है, इज अ मास ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा है, और यही मास और एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। ये बात, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एन एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है ये करता है, ये बताता है। लेकिन हमारे पास यही जो चीज है, ये जो मास और जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, वेट होता है। मतलब जो हमारा फोर्स लगा रही है हमारी कोई भी बॉडी किसी भी प्लेस पे, उसी फोर्स को बोलते हैं हम वेट, और इसी वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन होती है। मतलब फोर्स एंड जो वेट है वो इक्विवेलेंट है, किस केस में, हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है बच्चा, क्लियर है ये बात, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा फोर्स है जो हम सेकंड लॉ से डिफाइन करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, वही जो हमारा फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है जब हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होती है, और इसी फोर्स को हम वेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम वेट की तरह डिफाइन करते हैं, और वेट की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। अब ये था आपका मास और वेट के बीच में डिफरेंस, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, बिटवीन मास एंड वेट, एक टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। यहां लिखती हूं मैं मास के पॉइंट्स और यहां लिखती हूं वेट के पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है द एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी, इज मास, और यही हमारे पास वेट क्या है, क्या है वेट, वेट है हमारे पास, इट इज द फोर्स
एग्जर्टेड बाय द बॉडी ऑन अर्थ. ऑन अर्थ, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो हमारा मास है इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर. जो हमारे पास वेट है इट इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट, हमारा मास ना ही जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है. बल्कि अगर मैं आपसे कहूं, फोर्स तो हमने कई बार पढ़ा है कि जीरो कब होता है. अगर मैं इस साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, इस साइड से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं, तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे. मतलब मास तो नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है, लेकिन जो वेट है वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं. क्लियर है ये बात? लास्ट पॉइंट जो इनको डिफरेंशिएट करेगा वो है एसआई यूनिट. इसकी एसआई यूनिट क्या है मास की? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ. किलोग्राम है. और इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन. मतलब अगर आपको आपसे कोई आपका वेट पूछे तो आप पहले उससे पूछोगे अर्थ पे बताऊं या कहीं और बताऊं, ठीक है? यही क्वेश्चन उससे पूछना है कि कहां पे वेट बताऊं. मास पूछोगे तो आप बता दोगे, क्योंकि वो तो हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है? मतलब एसआई यूनिट कितनी है? वेट की न्यूटन है और मास की केजी है, ठीक है. क्वेश्चन कर लेते हैं. दिखाई दे रहा है सबको एक क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज 50 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? और जी की वैल्यू दी हुई है. देखो इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से करिए. क्या होगा इसका? हमारे पास जो वेट है उस बॉडी का वो क्या होता है? mg, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है. क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है. सॉरी क्वेश्चन ही बदल गया. सॉरी, वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी. क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, मास बताना है. वेट दिया हुआ है, गिवन क्या है? वेट गिवन है, वेट यानी कि W गिवन है 50 न्यूटन, और G की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मास की वैल्यू निकल जाएगी W बाय G से. किससे? W बाय G से. W कितना है? 50, और G कितना है? 9.8. निकाल लोगे अब इसका आंसर? ठीक है, अब सॉल्व करके देख लेना कि कितना मास आता है. कितना मास आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, और जिसका सही होगा मैं पक्का उसका कमेंट लाइक करूंगी, ठीक है? कर लोगे ये सॉल्व, आंसर निकाल लोगे. क्या करना है? इसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है. कुछ काम आपके लिए भी तो छोड़ू ना. छोड़ दो, ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ द वेट ऑफ एन बॉडी ऑन द अर्थ इज 6 न्यूटन, अब इसका मून पे क्या होगा? मैंने आपको बताया जो वेट ऑफ द बॉडी है, वेट ऑफ द बॉडी इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस प्लेस पे हैं या किस प्लैनेट पे हैं. और ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है, अभी तक हमने कोई डिराइव नहीं किया है और ना ही आपका डेरिवेशन बुक में है. जो आपका वेट ऑन मून है, वेट ऑन मून है,
वो कितना होता है? 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन अर्थ, मतलब कि बहुत कम वेट, ऐसा लगेगा आप बिल्कुल ही बहुत ही हल्के लोग हो। कितने कैसे हो? हल्के हो। तो ये चीज याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या है कि वेट ऑन मून 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो वेट ऑफ मून निकालने के लिए मैं क्या कर दूं? वेट ऑन मून निकालने के लिए क्या कर दूं? 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? 6 न्यूटन। तो वेट ऑन मून क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन। क्लियर है ये बात? क्लियर है फिर? ठीक है बच्चे, तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने कुछ किस चीज के बारे में डिस्कशन किया, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने कुछ हमारा वेट और मास के बीच में डिफरेंस किया। इसके बाद अब आपका एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है कि ये जो कि है कैपलर्स लॉ का। उसके बाद आपका ये ग्रेविटेशनल चैप्टर पूरा हो चुका है, एकदम अच्छे से पूरा हो चुका है। हम देखेंगे, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपका एक क्वेश्चंस का सेशन लगवा दूं, जिसमें मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगी, मेंटी क्विज करा देंगे और आपके साथ मिलेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे कैपलर्स लॉ वाली क्लास में। सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। फिर कभी किसी क्लास में मिलेंगे तो आपसे जरूर डिस्कशन करेंगे कैपलर्स लॉ और उसके क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।